चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब रेस 3 के बारे में। आज से एक हफ्ते पहले रेस 3 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है, यानी कि 15 तारीख, और पब्लिक को जबरदस्त एकदम उफान में पसंद आती है। आपको बता दूं दोस्तों, भाईजान सलमान खान का जबरदस्त एक्शन है, बॉबी देओल इसमें बहुत हॉट लग रहे हैं, जैकलीन डेजी भी अच्छा काम करके गई हैं, साकिब सलीम ओके ओके हैं, रेमो डिसूजा ने ठीक ठाक डायरेक्शन किया है। लेकिन दोस्तों, भले ही क्रिटिक्स कुछ भी कहे, फिल्म जो है धड़ल्ले से आगे बढ़ रही है और फिल्म ने 3 दिन के अंदर ही 100 करोड़ का दायरा जो है पार कर दिया है, चट कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब बात करते हैं इसके सेकंड फ्राइडे की दोस्तों। फर्स्ट फ्राइडे तो फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था दोस्तों, याद है मैंने आपको फिगर बताया था। सेकंड फ्राइडे की बात मैं करूं, यानी कि आज की बात करूं दोस्तों, तो जो मेरा अर्ली एस्टीमेट सामने आ रहा है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। एक हफ्ता हो चुका है, लोगों ने जिन्होंने रेस देखनी थी, जिन्होंने भाईजान को पसंद करना था, उन्होंने देख ली है फिल्म। तो अब जो अमाउंट है वो है 4.5 करोड़ के आसपास का है दोस्तों। अमाउंट 4.5 करोड़ के आसपास अमाउंट है, अप्रोक्सीमेट है, लेकिन आपका ये फिल्म यार आपको तुरंत अपडेट करेगा जैसे ही इसका एग्जैक्ट फिगर आएंगे। लेकिन ये है मेरा अर्ली एस्टीमेट, राहुल भोज का अर्ली एस्टीमेट है कि 4.5 करोड़ के आसपास फिल्म कमा सकती है अपने सेकेंड फ्राइडे। आपका क्या अर्ली एस्टीमेट है? हाँ, छुपाना मत, बताता कोई नहीं है, छुपाते सब है। जस्ट किडिंग दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितना है आप लोगों का अर्ली एस्टीमेट सेकेंड फ्राइडे का रेस 3 का। अब दोस्तों, रेस 3 जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और हाँ, प्लस अगर आप लाइफ टाइम कलेक्शन बता सकते हैं, नीचे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी मेरी मदद कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी मुझे बताइए, ठीक है। एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स, वॉच चैनल फिल्मी आरा विथ मी राहुल भोज एंड अ बॉस।